स्वागत है दोस्तों एक बार फिर जनरल अवेयरनेस के नए वीडियो में एक नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। आज का जो विषय है वह है नोबल पुरस्कार। नोबल पुरस्कार विषय लेने का मेरा उद्देश्य था कि इसमें जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ जो वर्तमान स्थिति है दोनों कवर हो जाएगा उसमें, मतलब करंट के से क्वेश्चन भी बनने की जो उम्मीद है, जो आने वाले एग्जाम है वहां भी उम्मीद है। तो इसलिए नोबल पुरस्कार जो टॉपिक था मैंने चूज किया। आइए इसके बारे में देखते हैं और पूरा एक समग्र जानकारी इसके बारे में लेंगे, पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से वर्तमान स्थिति तक हम इसको देखेंगे। आइए बात करते हैं नोबल पुरस्कार के बारे में। सबसे पहले देखते हैं नोबल पुरस्कार। तो नोबल पुरस्कार की शुरुआत हुई कैसे? नोबल पुरस्कार जो शुरुआत हुई, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोबल जो थे एक केमिस्ट भी थे, एक खोजकर्ता थे, इन्वेंटर थे, इंजीनियर थे, ठीक है, जो कई चीजों का आविष्कार भी करते, मतलब खोजते रहते थे। इनका पेशा यही था, इनके पिता का भी पेशा यही था। इनके पिता का जो नाम था, उनके पिता जो थे उनका नाम था इमैनुअल नोबल। इमैनुअल नोबल था। इमैनुअल नोबल भी एक केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, खोजकर्ता थे, और बचपन में इनका जो जीको पार्सन चलता था ये कई सारी चीजों को खोजते थे। युद्ध में वीपेंस होते हैं, कई सारे मशीनों को, कई सारे वीपेंस को खोज करते थे, उन्हीं से इनका जीविकोपार्जन चलता था। लेकिन बचपन में, यानी इमैनुअल नोबल, अरे अल्फ्रेड नोबल के बचपन में, यानी इमैनुअल जो उनके पिता इमैनुअल नोबल थे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो अल्फ्रेड नोबल के बचपन में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं रही, उनके पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इमैनुअल नोबल को कुल आठ बच्चे थे, ठीक है, आठ बच्चे थे, जिसमें से अल्फ्रेड नोबल जो थे वह चौथे स्थान पर थे। इमैनुअल नोबल को कुल आठ बच्चे थे और जो अल्फ्रेड नोबल थे वह चौथे स्थान पर थे। अल्फ्रेड नोबल का जो जन्म हुआ था वह 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था। अल्फ्रेड नोबल का जन्म जो हुआ था वह 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था, 1833 में। एक चीज हम और देखते हैं, उसमें राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी 1883 में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। और अभी भी उनका जो मकबरा है इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही है राजा राम मोहन राय की, वो कभी इतिहास में बात करेंगे हम लोग राजा राम मोहन राय में तब पढ़ेंगे। तो आगे हमने बता दिया कि 1833 में राजा राम मोहन की मृत्यु हुई थी और अल्फ्रेड नोबल का जो जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था। कहां पे हुआ था? स्वीडन में जगह है स्टॉकहोम में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। अल्फ्रेड नोबल 21 अक्टूबर 1833 में पैदा हुए थे स्वीडन के स्टॉकहोम में। उनके पिता का नाम इमैनुअल नोबल था, आठ बच्चे थे, चौथे स्थान पर कौन थे? अल्फ्रेड नोबल थे। बचपन में इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबल के नाम पर ही नोबल पुरस्कार पड़ा। धीरे धीरे हम जानेंगे कि उनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी क्या हुआ, कैसे उनके नाम पे नोबल पुरस्कार पड़ा, कैसे अभी तक ये चलन में आ रहा है, ठीक है, और कौन संस्था इसको देती है उसको सब देखेंगे। तो इमैनुअल नोबल ने क्या किया कि जब इनका जन्म बचपन में जब जानते थे अल्फ्रेड नोबल की स्थिति आर्थिक अच्छी नहीं थी उनके पिता की, तब इमैनुअल नोबल की जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो यानी 1833 में पैदा हुए थे अल्फ्रेड नोबल, तो चार साल बाद यानी अल्फ्रेड नोबल के पैदा होने के चार साल बाद यानी 1837 में, अल्फ्रेड नोबल के चार पैदा होने के चार वर्ष बाद इनके पिता 1837 में कहां जाते हैं? रसिया जाते हैं। 1835 में कहां जाते हैं? रसिया जाते हैं, ठीक है। इमैनुअल नोबल 1837 में रसिया जाते हैं। रसिया क्यों गए इनके पिताजी? वहां पे नया बिजनेस सेटअप करने के लिए। 1837 में रसिया गए, वहां पे नया बिजनेस सेटअप भी किए और इनका बिजनेस बहुत अच्छा बूम भी किया, बहुत अच्छा चला वहां पे, और आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी हो गई, अच्छा खासा गाड़ी बंगला सब ले लिया इन्होंने, आर्थिक स्थिति बहुत सुधर गई इनकी पहले से रसिया में। तो वहीं पे इन्होंने पांच साल बाद सारे परिवार को, मतलब जब गए रसिया गए थे तो उसमें अकेले गए थे, पांच वर्ष बाद सारे अपने परिवार को सभी को रसिया बुला लिए, पांच वर्ष बाद बुलाए, मतलब 1842 में पूरी फैमिली को अपने रसिया ही बुला लिए, मतलब अल्फ्रेड नोबल भी वहीं बस गए जाके। स्वीडन से कहां चले गए? वहां पे रसिया चले गए 1842 में।
1842 में रसिया चले गए, तो वहां पर उनकी स्थिति अच्छी थी, उनका बिजनेस अच्छा खासा चला था उनके पिताजी का। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए, किसी भी व्यक्ति का कभी समय खराब होता है, कभी अच्छा होता है, उतार चढ़ाव जिंदगी में लगा रहता है। वही स्थिति यहाँ पे भी हुई। पहले स्थिति अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति, फिर थोड़ी सुधरी रसिया जाके। उसके बाद क्या हुआ कि सन 1800 उस समय विश्व में एक युद्ध चल रहा था जिसका नाम था क्रीमिया युद्ध। तो 1854 में जो क्रीमिया युद्ध उसमें चल रहा था, उस समय विश्व में क्रीमिया युद्ध जो चल रहा था 1854 में, उस समय अपने पीक पॉइंट पे था। पीक पॉइंट मतलब उसमें युद्ध बहुत जोर शोरों पर चल रहा था 1854 में। धीरे धीरे युद्ध समाप्त होने के कगार पे आ गया, मतलब युद्ध समाप्त हो गया 1856 में। युद्ध समाप्त हो गया, जब युद्ध समाप्त हो गया तो इनके पिताजी का बिजनेस भी ठप पड़ गया। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी का जो बिजनेस था वह युद्ध में वीपेस बनाने का ही था, वीपेस बनाते थे और सप्लाई करते थे, उसी से इनकी मतलब उससे से अच्छा आमदनी इनको होता था। मेन बिजनेस इनका था आर्म्स का, वीपेंस का। तो जब क्रीमिया युद्ध था तो उसमें अच्छा खासा इनको इनकम हो रहा था, सप्लाई करते थे, आर्म्स पैसा मिलता था। लेकिन क्रीमिया युद्ध के समाप्त होने के बाद 1854 में क्रीमिया युद्ध था, युद्ध हुआ तो उसमें पीक पे था 1854 में। 1856 जाते आते क्रीमिया युद्ध धीरे धीरे समाप्ति कगार चला गया, समाप्त हो गया युद्ध। जब युद्ध 1856 में समाप्त हुआ तो 3 साल बाद यानी 1859 जो युद्ध समाप्त हुआ, तो उसके धीरे धीरे इनका बिजनेस ठप पड़ता चला गया, पैसे कहीं से आने नहीं शुरू हुए, वीपेंस बिका नहीं। तो इनकी कंपनी जो थी, जिन्होंने जो रशिया में कंपनी खोली थी इन्होंने, वो कंपनी दिवालिया घोषित हो गई। कंपनी इनकी दिवालिया घोषित हो गई यानी कंपनी बैठ गई, कोई पैसे का माध्यम नहीं रहा, कोई स्रोत नहीं रहा आजीविका का। उसके बाद तब तक अल्फ्रेड नोबल बड़े हो गए थे। अल्फ्रेड नोबल ने क्या किया, अपने पिताजी की कंपनी में खुद साथ देते थे। 1862 में अल्फ्रेड नोबल ने 1862 में अल्फ्रेड नोबल एक छोटी सी कंपनी खड़े करते हैं। 1862 में अल्फ्रेड नोबल एक छोटी सी कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं, छोटी कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं 1862 में। फिर थोड़ी सी स्थिति अच्छी होती है, फिर भगवान को मंजूर नहीं होता है। फिर 2 साल में क्या होता है, उसी छोटी कंपनी में 1864 में एक ब्लास्ट होता है, पूरी कंपनी ब्लास्ट में उड़ जाती है, खत्म समाप्त हो जाती है। कैसे समाप्त होती है, क्योंकि उसमें काम होता था नाइट्रोग्लिसरीन का, नाइट्रोग्लिसरीन का काम होता था। नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से पूरी कंपनी उड़ गई 1864 में, बहुत ज्यादा लॉस हुआ। उसी में उनके भाई की मृत्यु भी हो गई, अल्फ्रेड नोबल के भाई प्लस बहुत सारे वर्कर मर गए इसमें, भाई की भी मृत्यु हो गई। तो इतना ज्यादा ट्रेजेडी होता गया अल्फ्रेड नोबल के साथ। इसके बाद मतलब एक चीज देखिए कि आप स्टार्टिंग से आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर थोड़ी अच्छी हुई, बहुत अच्छी हो गई, फिर स्थिति खराब, धीरे डाउन होने लगी, और डाउन होने वाली इतनी स्थिति चली गई खराब की कंपनी दिवालिया हो गई। फिर छोटा कंपनी उन्होंने लगाया, मेहनत किया, स्टैंड किया, लेकिन 2 साल बाद फिर कंपनी में ब्लास्ट हो गया नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से, और उसमें भाई और कुछ वर्कर भी मर गए। तो इतना होने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ा अल्फ्रेड नोबल ने। अल्फ्रेड नोबल ने उसके बाद तब आविष्कार किया डायनामाइट का आविष्कार किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था अल्फ्रेड नोबल के समय, अल्फ्रेड नोबल के लिए, क्योंकि डायनामाइट का आविष्कार करने के बाद इनकी जिंदगी फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी, ये आगे बढ़ते ही गए, और डायनामाइट से ही इनको लोग पहचानते हैं। डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था। इन सब सारी चीजें होने के बाद उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। जब डायनामाइट का आविष्कार किया तो उसके बाद पैसा आता गया, बिजनेस चलता गया, कंपनियां खुलती गई। उसके बाद 1818 में, सन 1888 में, ये अपने घर पर बैठे थे, एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। न्यूज़पेपर में लिखा था कि द मर्चेंट, मैं कोट कर दे रहा हूं, कोट करके लिखा था, टाइटल था न्यूज़पेपर में, ये 1888 की बात है, जब अपने घर पे अल्फ्रेड नोबल बैठ के पेपर पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा था द मर्चेंट ऑफ डेथ, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। ठीक है, इसको रब कर दे रहा हूं।
1888 में अपने घर पर जब बैठे थे अल्फ्रेड नोबल, तो वहां पे पेपर में जो टाइटल सुबह सुबह पढ़े तो यही लिखा था कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। इसका मतलब यह होगा कि मौत के सौदागर की मृत्यु, मौत के सौदागर की मृत्यु, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, पूरा टाइटल ही था न्यूज़पेपर पे 1888 में जब इसको देखे अल्फ्रेड नोबल पढ़े, तो उनको बहुत बड़ा धक्का लगा। आखिर पेपर में छपा इसलिए था क्योंकि एक गलतफहमी हो गई थी मीडिया के बीच में कि अल्फ्रेड नोबल अब नहीं रहे, लेकिन असल में जो मृत्यु हुई थी इनके भाई की हुई थी, किसी कारणवश इनकी मृत्यु हुई थी इनके भाई की, तो मीडिया में गलत नमन चला गया कि अल्फ्रेड नोबल की मृत्यु हो गई। तो अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट बना चुके थे उस समय, तो उस पेपर में आया कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई। तो इनको बहुत धक्का लगा इससे कि मतलब दुनिया इनको किस नाम से जानेगी, मौत के सौदागर के नाम से जानेगी। तो इनको बहुत अजीब लगा इस चीज से, इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए मानवता के लिए कि दुनिया इनको द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड से न जाने, मतलब मौत के सौदागर के नाम से न जाने, इनको मानवता के नाम से कुछ जाने। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, उसके बाद देखिए हुआ क्या कि सन 1893 में भी इन्होंने क्या किया कि एक कंपनी थी बोफोर्स, 1893 में एक कंपनी थी जिसका नाम था बोफोर्स, बोफोर्स कंपनी थी। बोफोर्स कंपनी में होता क्या था, ये आयरन और स्टील प्लांट था, आयरन और स्टील प्लांट था बोफोर्स कंपनी। बोफोर्स कंपनी के बारे में आप बहुत सुने होंगे कि हमारे देश में राजीव गांधी के समय बोफोर्स बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, कम से कम अरबों की संपत्ति लोग घोटाले में खा गए थे। बोफोर्स घोटाला बहुत ज्यादा फेमस होता है चुनाव के समय, हमेशा यह मुद्दा गर्मा जाता है बोफोर्स घोटाला, और कभी कहेंगे तो बोफोर्स पे अच्छे वीडियो बनाया जाएगा, उस पर अच्छे चर्चा किया जाएगा कि किस तरह मतलब लोग उस समय की स्थिति थी जब देश हमारा आजाद हुआ था, कुछ समय ही हुए थे, और बोफोर्स घोटाला के माध्यम से अरबों का लोग घोटाला कर गए, देश को दीमक की तरह लोग चाट जा रहे हैं घोटाले की तरह। तो कभी उससे बात करेंगे बोफोर्स में क्या था क्या नहीं था। अभी इतना जानिए कि 1893 में बोफोर्स कंपनी थी जो आयरन और स्टील प्लांट का काम करती थी। तो अल्फ्रेड नोबल का पैसा तो उठा हो गया था उस समय, अल्फ्रेड नोबल ने क्या किया कि बोफोर्स कंपनी को ओवरटेक कर लिया, मतलब उससे ज्यादा शेयर कर लिया, बोफोर्स कंपनी उनकी हो गई अल्फ्रेड नोबल की। जब बोफोर्स कंपनी पर उनका कब्जा हो गया अल्फ्रेड नोबल का, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे आयरन स्टील बनाना बंद कर दिया, उन्होंने कहा कि इस कंपनी में अब वीपेंस बनेंगे, वीपेंस बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब बोले कि यहाँ पे अब तोपों का निर्माण होगा। तोपों का निर्माण करने के लिए उन्होंने इसमें स्टार्ट किया, आयरन स्टील कंपनी उन्होंने बंद कर दी, और जो बोफोर्स घोटाला हुआ था वो तोप ही दिए गए थे भारत को जिसमें घोटाला हुआ था। तो तोप और आर्म्स की फैक्ट्री पुराने बैठा दी बोफोर्स ने 1893 में। 1893 के बाद 1895 आया, 1895 में क्या हुआ कि अल्फ्रेड नोबल ने, जैसा मैंने आपको बताया कि इनको इस चीज से धक्का लगा था अल्फ्रेड नोबल को, इनके दिमाग में था कि कुछ मानवता के लिए करना है कि लोग उनको जाने, उन्होंने क्या किया 1895 में अपनी बिल बनाई। अल्फ्रेड नोबल ने कभी शादी नहीं की थी, अथुक मतलब एकदम अथाह संपत्ति था इनके पास कि भाई डायनामाइट और उसके बाद बहुत सारा आविष्कार उन्होंने किया था, जो कि इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट यह बनता है कि अल्फ्रेड नोबल के नाम पे कुल 355 पेटेंट थे, सोचिए लगभग 355 आविष्कार किए थे जिनका पेटेंट सिर्फ अल्फ्रेड नोबल के नाम पे है, मतलब किसी व्यक्ति ने 355 खोज कर दिया, 355 पेटेंट अकेले अल्फ्रेड नोबल के नाम पे है। तो आप सोच सकते हैं कि जब पेटेंट 355 आविष्कार किए हैं तो कितना पैसा इनके पास होगा, बता पैसा था, अथाह संपत्ति थी, शादी किए नहीं थे। इन्होंने अपना बिल जो है कई बार बदला, अपनी वसीयत जो है कई बार बदली। 1895 में इनका लास्ट बिल आया, मतलब अंतिम बिल इन्होंने लिखा, अंतिम वसीयत इन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि जो उनके संपत्ति का, उनके प्रॉपर्टी का 94%, उनके प्रॉपर्टी का 94% ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए जो मानवता के लिए काम करते हो, मानवता के लिए कोई आविष्कार करते हो, कोई खोज करते हो। तो 1895 उनका बिल उन्होंने बना दिया कि जो लास्ट बिल उन्होंने दिया कि 94% उनके संपत्ति का ऐसे लोगों के बीच बांटा जाए जो मानवता के लिए काम करते हो। तब से अल्फ्रेड नोबल की वजह से ही नोबल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। इसके बाद से 1896 में उनकी मृत्यु हो जाती है, 1896 10 दिसंबर
1896 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जिस दिन वो मरे, 10 दिसंबर को ही, हर 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार वितरण किया जाता है। आखिर देखिए, उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन यानी 21 अक्टूबर के दिन उन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार वितरण के लिए नहीं बोला, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन उन्होंने बोला 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाएगा, या उनका जो प्रॉपर्टी था 54% वो मानवता के लिए लोगों के बीच बांटा जाएगा जो उसमें उत्कृष्ट कार्य करें पूरे विश्व में। तो इसीलिए जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वह 10 दिसंबर यानी उनकी पुण्यतिथि पे दिया जाता है हर साल। भाई थोड़ा आगे चलते हैं, ये तो पूरा हो गया उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, भाई आगे चलते हैं थोड़ा सा। हम बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा कि जब देना स्टार्ट हुआ 1896 में उनकी मृत्यु हो गई अल्फ्रेड नोबेल की, 1901 मतलब 1901 में 1901 से जो है नोबेल पुरस्कार वितरण करना शुरू हो गया, नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हो गई 1901 से। और ये पांच क्षेत्रों में 1901 से नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई, पांच क्षेत्रों में दिया जाता था शुरुआत में पांच क्षेत्रों में देने की शुरुआत हुई। कौन कौन सा क्षेत्र था पांच? तो फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, ठीक है, मेडिसिन या इसको फिजियोलॉजी भी बोलते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन या फिजियोलॉजी हो गया, उसके बाद हो गया पीस हो गया, पीस के बाद हो गया लिटरेचर यानी साहित्य। फिजिक्स में दिया जाता था, केमिस्ट्री में, मेडिसिन और फिजियोलॉजी में, पीस में, दशांति में, लिटरेचर यानी साहित्य में। मतलब 1901 से जब नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई तब स्टार्टिंग में पांच क्षेत्रों में दिया जाता था यह। बाद में क्या हुआ, 1968 में स्वीडन की जो बैंक थी, स्वीडन का सेंट्रल बैंक 1968 में बोला कि अब हम इकोनॉमिक साइंस के सेक्टर में भी, उसके क्षेत्र में, इकोनॉमिक क्षेत्र में भी जो है नोबेल पुरस्कार वितरण करेंगे। इसीलिए 1969 में इकोनॉमिक्स को भी इसमें जोड़ दिया गया, अर्थशास्त्र को इसमें जोड़ दिया गया, इकोनॉमिक्स को इसमें जोड़ दिया गया, मतलब यहां पे इकोनॉमिक्स भी ऐड हो गया। इकोनॉमिक्स कब ऐड हुआ या 1969 ठीक है, 1969 में इकोनॉमिक्स को भी इसमें ऐड कर दिया गया। तब से कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? छह क्षेत्रों में दिया जाता है। सबसे पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? पांच क्षेत्रों में दिया जाता था। पहले पांच क्षेत्र कौन कौन से थे? फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, लिटरेचर था, पीस था और मेडिसिन या फिजियोलॉजी इसको बोलते थे। 1969 से कौन सा जोड़ा गया? इकोनॉमिक्स जोड़ दिया गया। अब कुल छह क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है इसको, ठीक है। इसमें एक चीज और जानने लायक है कि जो यह पांचों पुरस्कार हैं, कौन से पुरस्कार पांचों? इतना पीस को छोड़ के जो पुरस्कार है वह कहां दिए जाते हैं? स्वीडन के स्टॉकहोम में, ठीक है, स्वीडन के स्टॉकहोम में ये पांचों प्राइज वितरण किए जाते हैं दिसंबर को। लेकिन जो पीस प्राइज है उसको स्वीडन में नहीं दिया जाता, पीस प्राइज को दिया जाता है नॉर्वे में। जो पीस प्राइज है उसको नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो में। यानी जो नोबेल पुरस्कार जो छह क्षेत्रों में दिया जाता है उसमें से पांच जो नोबेल पुरस्कार है उसको स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है, बाकी जो पीस प्राइज है उसको नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। इतना इसको ध्यान में रखिएगा। आइए थोड़ा आगे और चर्चा करते हैं
इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं हम कि शुरुआत में क्या होता था, जो नोबल प्राइज था वो मरणोपरांत भी दिया जाता था। मरणोपरांत यानी किसी अगर व्यक्ति व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसने कोई उत्कृष्ट कार्य साइंस के क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में किया हुआ है जिस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिया जाता है, तो उसको मरने के बाद भी नोबल पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन 1974 के बाद मरणोपरांत नोबल पुरस्कार देने की व्यवस्था बंद हो गई। यानी 1974 के पहले मरणोपरांत भी व्यक्ति को नोबल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1974 के बाद मरणोपरांत नोबल पुरस्कार देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। लेकिन अगर उसमें एक चीज और था कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की घोषणा हो गई, क्योंकि घोषणा तो पहले हो जाती थी और 10 दिसंबर को पुरस्कार वितरण किया जाता था, किसी व्यक्ति को अगर पुरस्कार देने की घोषणा हो गई है, ठीक है, और घोषणा होने के बाद अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब पर भी उसको पुरस्कार दिया जाएगा। इसको थोड़ा याद रखिएगा कि 1974 के बाद मरणोपरांत नोबल पुरस्कार देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की नाम की घोषणा हो गई, यानी व्यक्ति वो जीवित था उसके नाम की घोषणा हो गई, जीवित रहने पे नाम की घोषणा हो गई और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद भी उसके किसी परिचय को, किसी परिवारजन को नोबल पुरस्कार दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसको इतने इंपॉर्टेंट था इसमें ये थे। आइए थोड़ा जो उसके स्पेशल केसेस पे बात करते हैं। और ये चीज इसमें देखिएगा कि इसे नोबल पुरस्कार है, नोबल पुरस्कार किसी क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए किसी नोबल पुरस्कार अगर जो मैक्सिमम है उसको 3 लोगों को दे सकते हैं। मुगल नोबल पुरस्कार जो है वो किसी भी फील्ड में मैक्सिमम 3 लोग के ऊपर नहीं दे सकते हैं, मैक्सिमम 3। जैसे मान लीजिए अगर हम साहित्य क्षेत्र की बात करते हैं या पीस की बात करते हैं या भौतिक की बात करते हैं, रसायन की बात करते हैं, किसी भी क्षेत्र में नोबल पुरस्कार किसी व्यक्ति को 3 लोगों से ज्यादा लोगों को नहीं दिया सकता है। मैक्सिमम तीन लोग को हम लोग नोबल पुरस्कार एक फील्ड में दे सकते हैं। 3 लोग से ज्यादा नहीं होंगे, 3 लोग से कम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 लोग हैं। और मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को किसी फील्ड में अगर 2 व्यक्ति को मिलता है नोबल पुरस्कार, मैंने बोला मैक्सिमम 3 लोग को दे सकते हैं किसी फील्ड में, लेकिन अगर 2 व्यक्ति को अगर मिलता है पुरस्कार किसी फील्ड में, तो उसमें जो पुरस्कार राशि होगी उसका 50-50% बांट लेंगे दोनों, 50-50% बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी फील्ड में 3 व्यक्ति, क्योंकि मैंने बोला था 3 व्यक्ति को दिया जाता है, अगर 3 व्यक्ति को मिलता है वो नोबल पुरस्कार, तो जो पुरस्कार राशि होगी कैसे वितरित होगी, तो जो पुरस्कार राशि होगी वो नोबल कमिटी डिसाइड करेगी। जो पुरस्कार राशि है वह नोबल कमिटी डिसाइड करेगी कि किसको कितना परसेंट पैसा देना है या कितना पुरस्कार राशि देनी है। 3 लोग होंगे तो नोबल कमिटी डिसाइड करेगी, अगर 2 लोग होंगे तो वह 50-50 बढ़ जाएगा पुरस्कार राशि। अब आइए बात करते हैं कि पुरस्कार राशि है क्या। नोबल पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि है, वह कोई फिक्स नहीं है, 8 लाख से लेके 10 लाख जो स्वीडिश डॉलर होता है, इसको स्केच क्रोन भी बोलते हैं शायद, इसको क्रोन बोलते हैं, क्रोन 8 लाख क्रोन से लेकर 10 लाख क्रोन के बीच में होता है, कभी 8 लाख होता है, कभी 8.5 लाख होता है, कभी 10 लाख हो जाता है। तो मतलब स्टैटिक नहीं है, कांस्टेंट नहीं है प्राइस घटता और बढ़ता है, ठीक है। तो अभी जो हाल में चला है 9.5 लाख दिया जाता है, 9.5 लाख क्रोन एक व्यक्ति को, ठीक है। तो ये पुरस्कार राशि के बारे में हो गया, मैक्सिमम 3 लोग को दिया जा सकता है, अगर 2 लोग को दिया जाएगा तो 50-50% हो जाएगा पुरस्कार राशि का, अगर 3 लोग को दिया जाएगा तो कौन डिसाइड करेगी, नोबल कमिटी डिसाइड करेगी, ठीक है। आइए कुछ स्पेशल केस देखते हैं नोबल पुरस्कार में, जहां से कभी प्रश्न बनता है, मतलब सिंपल एसएससी और छोटे एग्जामों में तो नहीं बनेगा, लेकिन जो हाई लेवल के एग्जाम है, जैसे एससी हो गया, चाहे पीसीएस हो गया, वहां पे क्वेश्चन बनता है और जानना भी चाहिए कि इसके स्पेशल केस क्या है। जब स्पेशल केस की बात करेंगे हम, स्पेशल केसेस की बात करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं जो पहला इसका स्पेशल केस है, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी के बारे में क्या बात करते हैं कि मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला, ऐसी पर्सन थी जिनको
नोबल पुरस्कार दिया गया था किसमें? रेडियो एक्टिविटी, एक रेडियो एक्टिविटी में दिया गया था, एक दिया गया था रेडियम के लिए। एक कब दिया गया था? 1903 में। यह कब दिया गया था? 1911 में। यह किसमें, किस फील्ड में दिया गया था? फिजिक्स के फील्ड में दिया गया था, या किस फील्ड में दिया गया था? केमिस्ट्री के फील्ड में। अब आप कहेंगे कि स्पेशल कैसे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पहला तो इंपॉर्टेंट यह है कि भाई दो बार नोबल पुरस्कार मिला इनको, लेकिन इसमें विशेष यह है कि मैडम क्यूरी एक ऐसी पर्सन थी जिन्हें साइंस के दो अलग अलग फील्ड में नोबल पुरस्कार दिया गया है। मतलब प्रश्न ऐसे बनेगा, ऐसा कौन व्यक्ति था जिसे साइंस के दो अलग अलग फील्ड में नोबल पुरस्कार दिया गया है? तो साइंस के दो अलग अलग फील्ड में नोबल पुरस्कार किसको दिया गया है? मैडम क्यूरी को। फिजिक्स में भी इनको नोबल पुरस्कार मिला है और केमिस्ट्री में मिला है। फिजिक्स में किसलिए मिला है? रेडियो एक्टिविटी मिला है 1903 में, और केमिस्ट्री को मिला 1911 में रेडियम के लिए। आइए बात करते हैं दूसरा नंबर पे, जॉन बार्डेन। जॉन बार्डेन जॉन बार्डेन के बारे में जब बात करते हैं तो इनको भी नोबेल पुरस्कार दो मिला था। कब कब मिला था इनको? जॉन बार्डेन को मिला था एक 1956 में, एक मिला था 1972 में। 1956 में मिला था और 1972 में मिला था। 1956 में मिला था इनको ट्रांजिस्टर के लिए, ट्रांजिस्टर के लिए, और 1972 में मिला था इनको सुपर कंडक्टर के लिए, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर के लिए। तो जॉन बार्डेन को दो बार नोबेल पुरस्कार मिला, 1956 में और 1972 में, ट्रांजिस्टर यानी फिजिक्स के लिए, सुपर कंडक्टर यानी फिजिक्स के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट हुआ ना कि जॉन बार्डेन ऐसे व्यक्ति थे जिनको साइंस, मतलब दो बार नोबेल पुरस्कार मिला इनको 1956 में 1972 में, किसके लिए? ट्रांजिस्टर के लिए और सुपर कंडक्टर के लिए, दोनों फिजिक्स में। तो मैडम क्यूरी को किस मिला था? मैडम क्यूरी को साइंस के दो अलग अलग फील्ड में मिला था, एक बार फिजिक्स में मिला था, एक बार केमिस्ट्री में। लेकिन जो जॉन बार्डेन थे इनको फिजिक्स में ही दो बार नोबेल पुरस्कार मिला था, पहली बार 1956 मिला ट्रांजिस्टर के लिए, फिर उसके 1972 मिला सुपर कंडक्टर के लिए। तीसरा बात करते हैं हम लोग, फ्रेडरिक फ्रेडरिक सेंगर, सेंगर। बात करते हैं फ्रेडरिक सेंगर की। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। तीसरा था फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर के जो मिला था नोबेल पुरस्कार, उनको मिला था फ्रेडरिक सेंगर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1958 और 1980 में। पहली बार जो उनको मिला था वो मिला था इंसुलिन, दूसरी बार मिला था उनको डीएनए के लिए। ठीक है, इंसुलिन और डीएनए के लिए 1958 में इंसुलिन के लिए मिला था इनको, और 1980 में डीएनए के लिए मिला था। यानी इनको भी किस फील्ड में मिला था पुरस्कार? ये दोनों आता है केमिस्ट्री में। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसके पहले मैंने बताया था कि जॉन बार्डेन जो गए थे उनको फिजिक्स में दो नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन उसके बाद फ्रेडरिक सिंगर जो आए, सिंगर आए, इनको केमिस्ट्री के दो फील्ड, केमिस्ट्री में दो नोबेल पुरस्कार मिला था
1958 में इंसुलिन के लिए और 1980 में डीएनए के लिए। दोनों किस फील्ड का है? दोनों केमिस्ट्री के फील्ड का थे। आइए बात करते हैं अब चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे जब बात करेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें एक एल पाउलिंग थे, एल पाउलिंग, लेविस पाउलिंग थे उनका नाम था, एल पाउलिंग, एल पाउलिंग, एल पाउलिंग जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1954 और 1962 में इनको मिला था। 1954 में इनको मिला था केमिकल बॉन्ड के लिए, 1954 में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार केमिकल बॉन्ड के लिए। केमिकल बॉन्ड से आप समझ जाएंगे कि भाई केमिस्ट्री का पोर्शन है, यानी केमिस्ट्री के लिए इनको मिला था। और 1962 में इनको मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार, यानी पीस का, ठीक है। एल पाउलिंग को 1954 में केमिकल बॉन्ड यानी केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला था। एल पाउलिंग को 1962 में शांति में यानी पीस का नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए इनको अलग अलग फील्ड में मिला है, यानी एक बार केमिस्ट्री मिला, एक बार पीस मिला है। लेकिन मैंने बताया था कि मैडम क्यूरी थी, जो मैडम जो क्यूरी थी, मैडम क्यूरी को साइंस के फील्ड में दो बार नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में। लेकिन अभी तक किसी को साइंस के दो अलग अलग फील्ड में किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो मैडम क्यूरी एक मार्क एक्सेप्शन है, जिनको कि साइंस के दो अलग अलग फील्ड में यानी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिला था। इनको केमिस्ट्री मिला लेकिन इसमें पीस मिला है, साइंस के फील्ड में नहीं मिला है। दो अलग अलग फील्ड कर सकते हैं लेकिन साइंस के दो अलग अलग फील्ड नहीं कर सकते। और उसके बाद एक लास्ट जो है वो आता है रेड क्रॉस, जो रेड क्रॉस कमेटी है, रेड क्रॉस कमेटी है, रेड क्रॉस कमेटी को कुल तीन बार नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का। रेड क्रॉस कमेटी को तीन बार नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का। कब कब मिला है? 1917 में, 1944 में, 1963 में। रेड क्रॉस कमेटी को 1917, 1944, 1963 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट था, जो इंपॉर्टेंट केसेस थे इसमें, स्पेशल केसेस थे, वो इतने सारे हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया भी कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसके बारे में हमने चर्चा किया, जो उसके स्पेशल केस थे हमने उसके बारे में आपको बताया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट था उसको देख लीजिए, चारों इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार समझ लीजिएगा। और उसमें एक चीज और देखिएगा कि सबसे यंगेस्ट, ऐसा कोई सबसे जो युवा जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हो, सबसे यंगेस्ट में अगर बात करेंगे हम लोग तो आता है मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई। सबसे यंगेस्ट प्रश्न मान लीजिए बनेगा, सबसे यंगेस्ट कौन जिसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त मिला हो, तो सबसे यंगेस्ट, सबसे युवा में मलाला यूसुफजई थी, सबसे यंगेस्ट उनके वो नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2014 में। मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसमें मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में मलाला यूसुफजई को मिला था। उसमें एक भारतीय भी थे इनके साथ जो शेयर में थे, उनका नाम था कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी को भी 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सबसे यंगेस्ट की जब बात की जाएगी तो मलाला यूसुफजई की बात करेंगे। मलाला यूसुफजई सबसे यंगेस्ट थी जिनको अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला, सबसे यंगेस्ट है 2014 में। इसीलिए मलाला के नाम पर अगर यहाँ आया है तो चर्चा करते हैं कि मलाला यूसुफजई के नाम पर ही 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है, 12 जुलाई को ही मलाला दिवस मनाया जाता है। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट था। और बाकी का जो सेकंड पार्ट में और आगे चर्चा करेंगे हम लोग, इंडियन के बारे में बात करेंगे, कितने भारतीय लोग को मिला है, पहले किसको मिला है, और जो करंट में है कि पिछले साल किसको किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, क्योंकि वहां से प्रश्न बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आज के वीडियो का मेन मात्र बनाने का जो उद्देश्य था कि कम से कम किसी पुरस्कार के बारे में किसी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसको विस्तृत पढ़िए, पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। कि अगर मान लीजिए मैं बनाता हूँ कि नोबेल पुरस्कार किसको मिला, सीधे लिखवा दूं, सीधे उसको लिख लीजिए कॉपी में, लेकिन पूरे नोबेल पुरस्कार के बारे में अच्छे समझिए कि नोबेल पुरस्कार कैसे स्टार्ट हुआ, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, कब समाप्त हुआ, कैसे दिया जाता है, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। इतना सारा हमने आज डिस्कस किए, दूसरे पार्ट में आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।